नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। मेरी सांसों पर नाम बस तुम्हारा है, मैं अगर खुश हूं तो ये एहसान तुम्हारा है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। भीड़ में खड़े होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। आप भी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाइए। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं माननी पड़ती। आप अपने आत्मविश्वास से हर वो काम कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। यकीन मानिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए शुभ रंग रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक रहने वाला है 1। आज आपको जो है आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको पूरी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाना चाहिए। इसे आपको जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है और अपने पेरेंट्स की जो प्रसन्नता है वो भी मिल पाएगी। आज आपके घर में बहुत ही अच्छी सराहना हो सकती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। किसी नई जवाबदारी के चलते आपको ज़्यादा गंभीरता से काम करना होगा। आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम और सफलता के साथ साथ तारीफ भी मिल सकती है। आपको कोई गिफ्ट भी आज कर सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। आज आपके जो पुराने साथी हैं वो आपसे मिल सकते हैं। समय में बदलाव काफी हद तक आ रहा है, लाभदायक स्थितियां बन रही हैं, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा हो सकता है, यानी कि कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा, सिर्फ उसका उपयोग करने की जरूरत है। अगर आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन हुए हैं वो अनुकूल साबित हो सकता है। अपनी पढ़ाई में फोकस बस जारी रखेगा, बाकी सब ठीक रहेगा। किसी अधीनस्थ कर्मचारी से वाद विवाद होने की स्थितियां बन रही है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, इंक्वायरी बैठ सकती है अगर आप ऐसा करेंगे तो। कोई केस भी बन सकता है, कहीं जाते समय रास्ते में अपनी चीजों को संभाल कर रखिएगा। चीजों का खो जाने का आज आपको डर लगा रहेगा, ऐसे सितारे कह रहे हैं आज, इसीलिए संभल कर रहिएगा। आज आपको बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मिल सकती है। ऐसा खास तौर पर आपके दफ्तर या फिर जहां पर आप काम करते हैं वहां पर हो सकता है। संभव है कि किसी नए प्रोजेक्ट में आज आपको लीडरशिप करने का मौका मिल सकता है। ये बहुत ही उम्दा और अच्छी बात है। आप इसे खुले मन से स्वीकार करेंगे तो ये आपको अप्रत्याशित परिणाम लेकर आ सकता है। आपके लिए जो है थोड़ा समय अपने प्रियजनों के लिए निकालने की सलाह भी दी गई है, ऐसे सितारे कह रहे हैं, क्योंकि परिवार के साथ अगर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपके राशि के जातक जो है आज आराम करने के मूड में भी रह सकते हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति आपको आराम करने के बजाय काम करने के अवसर ज्यादा प्रदान कर रही है, तो इसका आपको बहुत ही फायदा उठा लेना चाहिए। क्योंकि काम अगर आपके पास आया है तो ये बहुत बढ़िया बात है आपको आगे ले जाने के लिए। ये समय घर से बाहर निकलकर काम में ध्यान देने का है। आलस की वजह से घर में बैठे रहना कुछ उपलब्धियों को दूर कर सकता है, यानी कि आपके लिए काम बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत मौके मिल सकते हैं, इसलिए आराम फरमाकर आलस रखकर आप इन मौकों को मत गवाइएगा। इसलिए आज आसपास के किन्हीं अधूरे कामों को पूरा करने में समय लगाइए। घर में भी जो सुधार आदि करने हों उस पर विचार विमर्श करें। आप में से कुछ लोग घर की मुरम्मत या फिर नवीनीकरण करवा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। आज पति पत्नी के संबंध जो है उनमें मधुरता आएगी। सिर्फ अपने उत्तेजित स्वभाव पर आपको अंकुश लगाना होगा,
क्योंकि ज्यादा उत्तेजित ना अच्छी बात नहीं होनी। किसी भी बच्चे के गलत व्यवहार के कारण आप दोनों को परेशानी हो सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपका साथी आज आपको स्नेही और प्यारा लग सकता है, उन्हें प्यार करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जीवन साथी के साथ संबंध आपके पहले से ज्यादा अच्छे और सामान्य होने दिख रहे हैं। अपने अपने कार्यों में बिजी रहने के कारण एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने को समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन संबंधों में कटुता नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनको आज कोई प्रपोज भी कर सकता है। अगर आप अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपको अपना जीवन साथी अवश्य मिल सकता है। आपके साथी के द्वारा दिया गया एक सरप्राइज आपका दिन बना सकता है। साथी की छोटी छोटी चीजों की सराहना करें, उनका ख्याल रखिए, उन्हें पूछिए कि उनको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो रिश्ता है पहले से भी ज्यादा अधिक मजबूत होता नजर आ सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि मीडिया या फिर फोन द्वारा कोई इम्पोर्टेंट समाचार आपके काम में फायदा कर सकता है, यानी कि जो लोग न्यूज रिपोर्टर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। किसी सरकारी काम को पूरा करने के लिए भी ये जो दिन है बहुत ही खास और उत्तम रह सकता है। सितारे बहुत अच्छे हैं। भूमि से रिलेटेड कोई कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, कोई भी भूमि से रिलेटेड काम है तो उसमें आपको जो है सफलता मिल सकती है। आपके बॉस आपके द्वारा किए गए काम को पहचानते हैं और आपको ज्यादा कार्य भी दे सकते हैं। आपको वह सराहना तो मिले ही जिसके आप हकदार हैं, इसलिए जो भी बॉस आज आपको काम दे उस पर आप मेहनत अभी से शुरू कर दें, ढील मत दीजिएगा। इससे आप जो है अपने बॉस को ज्यादा इम्प्रेस भी कर पाएंगे, हो सकता है कि इससे आपकी प्रमोशन भी हो जाए। आज अपने सहयोगियों पर कोई निर्णय ना छोड़कर खुद ही आप हर एक कार्य को करें, क्योंकि कार्य क्षेत्र में किसी की सलाह लेना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अपने क्रोध पर भी आज आपको जो है काबू करना ही होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं और या फिर किसी बड़े बुजुर्ग की राय लेते हैं तो इसमें आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत रहेगा। आज आपको नई परियोजना का नेतृत्व करने का मौका भी मिल सकता है। सक्रिय रहें, एक्टिव रहें और इसे स्वीकार करें। परिणाम आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक मिलेंगे, यानी कि बहुत ही बढ़िया परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, सब्र का फल जो है वो काफी मीठा ही होता है। आप अपना प्रयास लगातार जारी ही रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे स्वास्थ्य यानी हेल्थ की तरफ। तो आज स्वास्थ्य जो है आप में से काफी रोगों का उत्तम और बढ़िया रहने वाला है, लेकिन स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, कोई सूजन जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। आपको बुखार होने की भी संभावना बन रही है, आपको ध्यान रखना है। बुखार जो होगा वो केवल और केवल मौसम की तब्दीली के कारण हो सकता है। रेकी या योग शुरू करने पर विचार करने के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। मेडिटेशन का सहारा भी आज आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, खांसी आदि की परेशानी महसूस हो सकती है। आज आपके लिए जो है विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको गरीबों में गुप्त रूप से अन्न का दान करना चाहिए, और साथ ही साथ में अगर आप राशन का सामान भी उन्हें देती हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ में आप अपने इष्ट देव की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलें, और घर में कपूर या चंदन गुगलुबान की धूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।